हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। कन्हैया लाल अपने दफ्तर के हम चोलियों और मित्रों से 2-3 बरस बड़ा ही था, परंतु ब्याह उसका उन लोगों के बाद हुआ। उसके बहुत अनुरोध करने पर भी साहब ने उसे ब्याह के लिए सप्ताह भर से अधिक छुट्टी न दी थी। लौटा तो उसके अंतरंग मित्रों ने भी उससे वही प्रश्न पूछे जो प्रायः ऐसे अवसर पर दूसरों से पूछे जाते हैं, और फिर वही परामर्श उसे दिए गए जो अनुभवी लोग नवविवाहितों को दिया करते हैं। हेमराज को कन्हैयालाल समझदार मानता था। हेमराज ने समझाया, बहू को प्यार तो करना ही चाहिए, पर प्यार से उसे बिगाड़ देना या सिर चढ़ा लेना भी ठीक नहीं। औरत सरकश हो जाती है तो आदमी को उम्र भर जोरू का गुलाम ही बना रहना पड़ता है। उसकी जरूरतें पूरी करो, पर रखो अपने काबू में। मारपीट बुरी बात है, पर यह भी नहीं कि औरत को मर्द का डर ही न रहे। डर उसे जरूर रहना चाहिए, मारे नहीं तो कम से कम गुर्रा तो जरूर दे। 3 बात उसकी मानो तो 1 में ना भी कर दो। यह न समझ ले कि जो चाहे कर या करा सकती है। उसे तुम्हारी खुशी नाराजगी की परवाह रहे, हमारे साहब जैसा हाल न हो जाए। मैं तो देखकर हैरान हो गया। एम्पोरियम से कुछ चीजें लेने के लिए जा रहे थे तो घरवाली को पुकार कर पैसे लिए। बीवी ने कह दिया, कालीन इस महीने रहने दो, अगले महीने से ही। तो भीगी बिल्ली की तरह बोले, अच्छा, मर्द को रुपया पैसा तो अपने पास में रखना चाहिए, मालिक तो मर्द है। कन्हैया के विवाह के समय नक्षत्रों का योग ऐसा था कि ससुराल वाले लड़की की विदाई कराने के लिए किसी तरह तैयार नहीं हुए। अधिक छुट्टी नहीं थी, इसीलिए गौने की बात फिर पर ही टल गई थी। एक तरह से अच्छा ही हुआ। हेमराज ने कन्हैया को लिखा पढ़ा दिया कि पहले तुम ऐसा मत करना कि वह समझे कि तुम उसके बिना रह नहीं सकते, या बहुत खुशामत करने लगो। अपनी मर्जी रखना, समझे? औरत और बिल्ली की जात एक। पहले दिन के व्यवहार का असर उस पर सदा रहता है। तभी तो कहते हैं कि गुरबारा वर रोजे अव्वल कुश्तन। बिल्ली के आते ही पहले दिन हाथ लगा दे तो फिर रास्ता नहीं पकड़ती। तुम कहते हो पढ़ी लिखी है, तो तुम्हें और भी चौकस रहना चाहिए। पढ़ी लिखी यो भी मिजाज दिखाती है। निस्वार्थ भाव से हेमराज की दी हुई सीख कन्हैया ने पल्ले बांध ली थी। सोचा, मुझे बाजार होटल में खाना पड़े या खुद चौका बर्तन करना पड़े तो शादी का क्या लाभ। इसीलिए वो लाजो को दिल्ली ले आया था। दिल्ली में सबसे बड़ी दिक्कत मकान की होती है। रेलवे में काम करने वाले कन्हैया के जिले के बाबू ने उसे अपने क्वार्टर का एक कमरा और रसोई की जगह सस्ते किराए पर दे दी थी। सो 1.25 साल से मजे में चल रहा था। लाजवंती अलीगढ़ में 8वीं जमात तक पढ़ी थी। बहुत सी चीजों के शौक थे, कई ऐसी चीजों के भी जिन्हें दूसरे घरों की लड़कियों को या नई ब्याही बहुओं को करते देख मन मार कर रह जाना पड़ता था। उसके पिता और बड़े भाई पुराने ख्याल के थे। सोचती थी ब्याह के बाद से ही उन चीजों के लिए कन्हैया से कहती। लाजो के कहने का ढंग कुछ ऐसा था कि कन्हैया का दिल इनकार करने को न करता, पर इस ख्याल से कि वह बहुत सरकश न हो जाए 2 बात मानकर तीसरी पर इनकार भी कर देता। लाजो मुंह फुला लेती। लाजो मुंह फुलाती तो सोचती कि मनाएंगे तो मान जाऊंगी, आखिर तो मनाएंगे ही। पर कन्हैया मनाने की अपेक्षा डांट ही देता। एकाध बार उसने थप्पड़ भी चला दिया। मनोती की प्रतीक्षा में जब थप्पड़ पड़ जाता तो दिल कट कर रह जाता और लाजो अकेले में फूट फूट कर रोती। फिर उसने सोच लिया, चलो किस्मत में यही है तो क्या हो सकता है। वह हार मानकर खुद ही बोल पड़ती। कन्हैया का हाथ पहली 2 बार तो क्रोध की बेबसी में ही चला था। जब चल गया तो उसे अपने अधिकार और शक्ति का अनुभव होने लगा। अपनी शक्ति अनुभव करने के नशे से बड़ा नशा दूसरा कौन होगा। इस नशे में राजा देश पर देश समेटते जाते थे, जमींदार गांव पर गांव और सेठ मिल और बैंक खरीदते चले जाते थे। इस नशे की सीमा नहीं। यह चस्का पड़ा तो कन्हैया के हाथ उतना क्रोध आने की प्रतीक्षा किए बिना भी चल जाते। मार से लाजो को शारीरिक पीड़ा तो होती ही थी, पर उससे अधिक होती थी अपमान की पीड़ा। ऐसा होने पर वह कई दिनों के लिए उदास हो जाती, घर का सब काम करती, बुलाने पर उत्तर भी दे देती। इच्छा न होने पर भी कन्हैया की इच्छा का विरोध न करती, पर मन ही मन सोचती रहती, इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊं। और फिर समय पीड़ा को कम कर देता।
जीवन था तो हंसने और खुश होने की इच्छा भी फूट ही पड़ती और लाजो हंसने लगती। सोच लिया था, मेरा पति है, जैसा भी है मेरे लिए तो यही सब कुछ है। जैसे ये चाहते हैं वैसे ही मैं चलूं। लाजो के सब तरह अधीन हो जाने पर भी कन्हैया की तेजी बढ़ती ही जा रही थी। वह जितनी अधिक बेपरवाही और स्वच्छंदता लाजो के प्रति दिखा सकता, अपने मन में उसे उतना ही अधिक अपनी समझने और प्यार का संतोष पाता। कार के अंत में पड़ोस की स्त्रियां करवा चौथ के व्रत की बात करने लगी। एक दूसरे को बता रही थी कि उनके मायके से करवे में क्या आया। पहले बरस लाजो का भाई आकर करवा दे गया था। इस बरस भी वह प्रतीक्षा में थी। जिनके मायके शहर से दूर थे उनके यहाँ मायके से रुपये आ गए थे। कन्हैया अपनी चिट्ठी पत्री दफ्तर के पते से ही मंगाता था। दफ्तर से आकर उसने बताया, तुम्हारे भाई ने करवे के 2 रुपये भेजे हैं। करवे के रुपये आ जाने से ही लाजो को संतोष हो गया। सोचा, भैया इतनी दूर कैसे आते। कन्हैया दफ्तर जा रहा था तो उसने अभिमान से गर्दन कंधे पर टेढ़ी कर और लाड़ के स्वर में याद दिलाया, हमारे लिए सरगी में क्या क्या लाओगे। और लाजो ने ऐसे अवसर पर लाई जाने वाली चीजें याद दिला दी। लाजो पड़ोस में कह आई कि उसने भी सरगी का सामान मंगाया है। करवा चौथ का व्रत भला कौन हिंदू स्त्री नहीं करती। जन्म जन्म यही पति मिले, इसीलिए दूसरे व्रतों की परवाह न करने वाली पढ़ी लिखी स्त्रियां भी इस व्रत की उपेक्षा नहीं कर सकती। अवसर की बात, उस दिन कन्हैया लंच की छुट्टी में साथियों के साथ कुछ ऐसा काबू में आ गया कि 3.25 रुपये खर्च हो गए। वह लाजो को बताया सरगी का सामान घर नहीं ला सका। कन्हैया खाली हाथ घर लौटा तो लाजो का मन बुझ गया। उसने गम खाना सीखकर रुटना छोड़ दिया था, परंतु उस सांझ मुंह लटका ही लिया। आंसू पोंछ लिए और बिना बुले चौके बर्तन के काम में लग गई। रात के भोजन के समय कन्हैया ने देखा कि लाजो मुंह सुजाए है, बोल नहीं रही है, तो अपनी भूल कबूल कर उसे मनाने या कोई और प्रबंध करने का आश्वासन देने के बजाय उसने उसे डांट दिया। लाजो का मन और भी बिंद गया। कुछ ऐसा ख्याल आने लगा, इन्हीं के लिए व्रत तो कर रही हूँ और यही ऐसी रुखाई दिखा रहे हैं। मैं व्रत कर रही हूँ कि अगले जन्म में भी इनसे ही ब्याह हो और मैं सुहा नहीं रही हूँ। अपनी उपेक्षा और निरादर से भी रोना आ गया। कुछ खाते न बना ऐसे ही सो गई। तड़के पड़ोस में रोज की अपेक्षा जल्दी ही बर्तन भांडे खटकने की आवाजें आने लगी। लाजो को याद आने लगा शांति बता रही थी कि उसके बाबू सरगी के लिए फेनिया लाए हैं। तार वाले बाबू की घरवाली ने बताया था कि खोए की मिठाई लाए हैं। लाजो ने सोचा, उन मर्दों को ख्याल है ना कि हमारी बहू हमारे लिए व्रत कर रही है, इन्हें जरा भी ख्याल नहीं। लाजो का मन इतना खिन्न हो गया कि सरगी में उसने कुछ भी न खाया। न खाने पर भी पति के नाम का व्रत कैसे न रखती। सुबह सुबह पड़ोस की स्त्रियों के साथ उसने भी करवे का व्रत करने वाली रानी और करवे का व्रत करने वाली राजा की प्रेयसी दासी का की कथा सुनने और व्रत के दूसरे उपचार निभाए। खाना बनाकर कन्हैया लाल को दफ्तर जाने के समय खिला दिया। कन्हैया ने दफ्तर जाते समय देखा कि लाजो मुंह सुजाए है। उसने फिर डांटा, मालूम होता है कि 2-4 खाए बिना तुम सीधी नहीं होगी। लाजो को भी रुलाई आ गई। कन्हैया दफ्तर चला गया तो वो अकेली बैठी कुछ देर रोती रही। क्या जुल्म है, इन्हीं के लिए व्रत कर रही हूँ और इन्हें गुस्सा ही आ रहा है। जन्म जन्म ये ही मिले, इसीलिए मैं भूखी मर रही हूँ। बड़ा सुख मिल रहा है ना, अगले जन्म में और बड़ा सुख देंगे। ये ही जन्म निभाना मुश्किल हो रहा है। इस जन्म में तो इस मुसीबत से मर जाना अच्छा लगता है, दूसरे जन्म के लिए वही मुसीबत पक्की कर रही हूँ। लाजो पिछली रात भूखी थी, बल्कि पिछली दोपहर के पहले का ही खाया हुआ था। भूख के मारे कुड़मुड़ा रही थी और उस पर पति का निर्दयी व्यवहार। जन्म जन्म कितने जन्म तक उसे ऐसा ही व्यवहार सहना पड़ेगा, सोचकर लाजो का मन डूबने लगा। सिर में दर्द होने लगा तो वह धोती के आंचल सिर बांधकर खाट पर लेटने लगी तो झिझक गई। करवे के दिन बांध पर नहीं लेटा या बैठा जाता, वह दीवार के साथ फर्श पर ही लेटी रही। लाजो को पड़ोसनों की पुकार सुनाई दी, वे उसे बुलाने आई थी। करवा चौथ का व्रत होने के कारण सभी स्त्रियां उपवास करके भी प्रसन्न थी। आज करवे के कारण नित्य की दोपहर के समय सीने पुरोने काटने बुनने का काम किया नहीं जा सकता था। करवे के दिन सुई सलाई और चरखा छुआ नहीं जाता। काज से छुट्टी थी
और विनोद के लिए ताश या जुए की बैठक जमाने का उपक्रम हो रहा था। वे लाजो को भी उसी समय उसी के लिए बुलाने आई थी। सिरदर्द और मन के दुख के कारण लाजो जा नहीं सकी। सिरदर्द और बदन टूटने की बात कहकर वह टाल गई और फिर सोचने लगी, ये सब तो सुबह सरगी खाए हुए है, जान तो मेरी ही निकल रही है। फिर अपने दुखी जीवन के कारण मर जाने का ख्याल आया और कल्पना करने लगी कि करवा चौथ के दिन उपवास किए किए मर जाए तो इस पुण्य से जरूर ही यही पति अगले जन्म में मिले। लाजो की कल्पना बावली होटी। वह सोचने लगी, मैं मर जाऊं तो इनका क्या है, और ब्याह कर लेंगे, जो आएगी वह भी करवा चौथ का व्रत करेगी, अगले जन्म में दोनों का इन्हीं से ब्याह होगा, हम सौत बनेगी। सौत का ख्याल उसे और भी बुरा लगा। फिर अपने आप समाधान हो गया, नहीं, पहले मुझसे ब्याह होगा, मैं मर जाऊंगी तो दूसरी से होगा। अपने उपवास के इतने भयंकर परिणाम की चिंता से मन अधीर उठा। भूख अलग व्याकुल किए थी। उसने सोचा, क्यों मैं अपना अगला जन्म भी बर्बाद करूं। भूख के कारण शरीर निडाल होने पर भी खाने को मन नहीं हो रहा था, परंतु उपवास के परिणाम की कल्पना से मन का क्रोध से जल उठा। मन में क्रोध जल उठा, वह उठ खड़ी हुई। कन्हैया लाल के लिए उसने सुबह जो खाना बनाया था उसमें से बची दो रोटियां कटोरदान में पड़ी थी। लाजो उठी और उपवास के फल से बचने के लिए उसने मन को वश में कर एक रोटी रूखी ही खा ली और एक गिलास पानी पीकर फिर लेट गई। मन बहुत खिन्न था। कभी सोचती ठीक ही तो किया, अपना अगला जन्म क्यों बर्बाद करो। ऐसे पड़े पड़े झपकी आ गई। कमरे के किवाड़ पर धम धम सुनकर लाजो ने देखा, रोशनदान से प्रकाश की जगह अंधकार भीतर आ रहा था। समझ गई दफ्तर से लौटे हैं। उसने किवाड़ खोले और चुपचाप एक ओर हट गई। कन्हैया लाल ने क्रोध से उसकी तरफ देखा, अभी तक पारा नहीं उतरा, मालूम होता है झाड़े बिना नहीं उतरेगा। लाजो के दुखे हुए दिल पर और चोट लगी और पीड़ा क्रोध में बदल गई। कुछ उत्तर देकर वह घूमकर फिर दीवार के सहारे फर्श पर बैठ गई। कन्हैया लाल का गुस्सा भी उबल पड़ा। यह अकड़ है, आज तुझे ठीक कर ही दूं, उसने कहा और लाजो को बाहर से पकड़कर खींच कर गिराते हुए दो थप्पड़ पूरे हाथ के जोर से ताबड़तोब जड़ दिए और हाफते हुए लात उठाकर कहा, और मिजाज दिखा, खड़ी हो सीधी। लाजो का क्रोध भी सीमा पार कर चुका था। खींची जाने पर भी फर्श से उठी नहीं और मार खाने के लिए तैयार हो उसने चिल्ला कर कहा, मार ले जान से मार डाल, पीछा छूटे आज ही तो मारेगा, मैंने कौन व्रत रखा है तेरे लिए जो जन्म जन्म मार खाऊंगी, मार मार डाल। कन्हैया लाल का लात मारने के लिए उठा पाव अधर में ही रुक गया। लाजो का हाथ उसके हाथ से छूट गया, वह शब्द रह गया, मुंह में आई गाली भी मुंह में ही रह गई। ऐसे जान पड़ा कि अंधेरे में कुत्ते के धोखे जिस जानवर को मार बैठा था उसकी गुर्राहट से जाना कि वह शेर था। यह लाजो को डांट और मार सकने का अधिकार एक भ्रम ही था। कुछ क्षण वह हाफता हुआ खड़ा सोचता रहा और फिर खाट पर बैठकर चिंता में डूब गया। लाजो फर्श पर पड़ी रो रही थी। उस ओर देखने का साहस कन्हैया लाल को न हो रहा था। वह उठा और बाहर चला गया। लाजो फर्श पर पड़ी फूट फूट कर रोती रही। जब घंटे भर रो चुकी तो उठी, चूल्हा जलाकर कम से कम कन्हैया के लिए खाना तो बनाना ही था। बड़े बेमन से उसने खाना बनाया। बना चुकी तब भी कन्हैया लाल लौटा नहीं था। लाजो ने खाना ढक दिया और कमरे के किवाड़ उड़का कर फिर फर्श पर लेट गई। यही सोच रही थी कि क्या मुसीबत है जिंदगी, यही झेलना था तो पैदा ही क्यों हुई थी, मैंने क्या किया था जो मारने लगे। किवाड़ों के खुलने का शब्द सुनाई दिया। वह उठने के लिए आंसुओं से भीगे चेहरे को आंचल से पोंछने लगी। कन्हैया लाल ने आते ही एक नजर उसकी ओर डाली। उसके पुकारे बिना ही वह दीवार के साथ बिछी चटाई पर चुपचाप बैठ गया। कन्हैया लाल को ऐसे चुप बैठ जाना नई बात थी, पर लाजो गुस्से में कुछ न कुछ बोल रसोई में चली गई। आसन डाल थाली कटोरी रख खाना परोस दिया और लोटे में पानी लेकर हाथ धुलाने के लिए खड़ी थी। जब 5 मिनट हो गए और कन्हैया लाल नहीं आया तो उसने पुकारना ही पड़ा, खाना परस दिया है। कन्हैया लाल आया तो हाथ नल से धोकर झाड़ते हुए भीतर आया। अब तक हाथ धुलाने के लिए लाजो ही उठकर पानी देती थी। कन्हैया लाल 2 ही रोटी खाकर उड़ गया। लाजो और देने लगी तो उसने कह दिया, और नहीं चाहिए। कन्हैया लाल खाकर उठा तो रोज की तरह हाथ धुलाने के लिए न कहकर नल की ओर चला गया। लाजो मन मारकर स्वयं खाने बैठी तो देखा कि कद्दू की तरकारी बिल्कुल कड़वी हो रही थी। मन की अवस्था ठीक न होने से हल्दी नमक 2 बार पड़ गया था।
बड़ी लज्जा अनुभव हुई। हाय, इन्होंने कुछ कहा भी नहीं, यह तो जरा कम ज्यादा हो जाने पर डांट देते थे। लहजों से दुख में खाया नहीं गया। यो ही कुल्ला कर हाथ धोकर इधर आई कि बिस्तर ठीक कर दे, चौका फिर समेट देगी। देखा तो कन्हैयालाल स्वयं ही बिस्तर झाड़कर बिछा रहा था। लाजो जिस दिन से इस घर में आई थी ऐसा कभी नहीं हुआ था। लाजो ने शर्मा कर कहा, मैं आ गई, रहने दो, किए देती हूँ, और पति के हाथ से दरी चादर पकड़ ली। लाजो बिस्तर ठीक करने लगी तो कन्हैयालाल दूसरी ओर से मदद करता रहा। फिर लाजो को संबोधित किया, तुमने कुछ खाया नहीं, कद्दू में नमक ज्यादा हो गया है, सुबह और पिछली रात भी तुमने कुछ नहीं खाया था, ठहरो मैं तुम्हारे लिए दूध ले आता हूँ। लाजो के प्रति इतनी चिंता कन्हैयालाल ने कभी नहीं दिखाई थी, जरूरत भी नहीं समझी थी। लाजो को उसने चीज समझा था। आज वह ऐसे बात कर रहा था जैसे लाजो भी इंसान हो, उसका भी ख्याल किया जाना चाहिए। लाजो को शर्म तो आ ही रही थी पर अच्छा भी लग रहा था। उसी रात से कन्हैयालाल के व्यवहार में एक नरमी सी आ गई, कड़े बोल की तो क्या, बल्कि एक झिझक सी हर बात में, जैसे लाजो के किसी बात के बुरा मान जाने की या नाराज हो जाने की आशंका हो। कोई काम अधूरा देखता तो स्वयं करने लगता। लाजो को मलेरिया बुखार आ गया तो उसने उसके चौके के समीप नहीं जाने दिया, बर्तन भी खुद साफ कर लिए। कई दिन तो लाजो को बड़ी उलझन और शर्म महसूस हुई, पर फिर पति पर और अधिक प्यार आने लगा। यह जहां तक बन पड़ता घर का काम उसे नहीं करने देती, यह काम करते मर्द अच्छे नहीं लगते, उन लोगों का जीवन कुछ दूसरी की तरह का हो गया। लाजो खाने के लिए पुकारती तो कन्हैया जिद करता, तुम सब बना लो फिर एक साथ बैठकर खाएंगे। कन्हैया पहले कोई पत्रिका या पुस्तक लाता था तो अकेला मन ही मन पढ़ा करता था, अब लाजो को सुनाकर पढ़ता या खुद सुन लेता। यह भी पूछ लेता, तुम्हें नींद तो नहीं आ रही, साल बीतते मालूम न हुआ। फिर करवा चौथ का व्रत आ गया, जाने क्यों लाजो के भाई का मनी ऑर्डर करवे के लिए न पहुंचा था। करवा चौथ के पहले दिन कन्हैयालाल दफ्तर जा रहा था। लाजो ने खिन्नता और लज्जा से कहा, भैया करवा भेजना शायद भूल गए। कन्हैया ने सांत्वना के स्वर में कहा, तो क्या हुआ, उन्होंने जरूर भेजा होगा, डाक खाने वालों का हाल आजकल बुरा है, शायद आज आ जाए या और दो दिन बाद आए, डाक खाने वाले आजकल मनी ऑर्डर के 15-15 दिन लगा देते हैं। तुम व्रत उपवास के झगड़े में मत पड़ना, तबीयत खराब हो जाती है, यो कुछ मांगना ही है तो बता दो, लेते आएंगे, पर व्रत उपवास से होता क्या है, सब ढकोसले हैं। वाह, यह कैसे हो सकता है, हम तो जरूर रखेंगे व्रत, भैया ने करवा नहीं भेजा ना सही, बात तो व्रत की है, करवे की थोड़े ही, लाजो ने बेपरवाही से कहा। संध्या समय कन्हैयालाल आया तो रुमाल में बंधी छोटी गांठ लाजो को थमाकर बोला, लो फेनी तो मैं ले आया हूँ, पर व्रत के झगड़े में नहीं पड़ना। लाजो ने मुस्कुराकर रुमाल लेकर अलमारी में रख दिया। अगले दिन लाजो ने उस समय पर खाना तैयार कर कन्हैया को रसोई में से पुकारा, आओ खाना परोस दिया है। कन्हैया ने जाकर देखा, खाना एक ही आदमी के लिए परोसा था, और तुम, उसने लाजो की ओर देखा, वाह मेरा तो व्रत है, सुबह सरगी भी खा ली, तुम अभी सो ही रहे थे, लाजो ने मुस्कुराकर प्यार से बताया। ये बात तो हमारा भी व्रत रहा, आसन से उठते हुए कन्हैयालाल ने कहा। लाजो ने पति का हाथ पकड़कर रोकते हुए समझाया, क्या पागल हो, कहीं मर्द भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं, तुमने सरगी कहाँ खाई, नहीं नहीं यह कैसे हो सकता है, कन्हैया नहीं माना, तुम्हें अगले जन्म में मेरी जरूरत है तो क्या मुझे तुम्हारी नहीं है, क्या तुम भी व्रत न रखो आज, या तो तुम भी व्रत न रखो आज। लाजो पति की ओर कातर आंखों से देखती हार मान गई। पति के उपास से दफ्तर जाने पर उसका हृदय गर्व से फूला नहीं समा रहा था। आप सुन रहे थे यशपाल की कहानी करवा का व्रत। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।